हेलो एंड वेलकम डिलीशियस फूड विद आशा। आज जो हम आपको रेसिपी देने वाले हैं वो है रशियन सैलेड की। रशियन सैलेड बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे लोग हर खानों के साथ पसंद करते हैं। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि इसे बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। यहाँ हमने गाजर ली है और मटर, इसे हमने बॉइल कर लिया था। आलू जिसे हमने पहले छीला फिर काटा और फिर बॉईल किया है, इससे इनकी शेप खराब नहीं होती। सेब जो कि हमने इसकी समिति लिए, बंद गोभी बारीक कटी हुई, सलाद के पत्ते और आइसबर्ग। अब हम इसका क्रीमी बैटर बताते हैं कि उसमें क्या क्या जाएगा। चीनी 3 खाने के चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, क्रीम, मायोनीज 2 खाने के चम्मच और आधा कप दही। यहाँ हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे जिसमें दही डालेंगे, मेयोनीज शामिल करेंगे, कुटी काली मिर्च और चीनी, इसे थोड़ा सा मिलाएंगे, फिर इसमें क्रीम शामिल करेंगे। अब हम इस बैटर को बहुत अच्छी तरह मिलाएंगे ताकि तमाम चीजें आपस में मिल भी जाएं और हमारा बैटर बहुत ही स्मूथ और फ्लफी बने। इसका स्ट्रक्चर क्रीमी होना चाहिए। जब हम इसमें क्रीम और मेयोनीज यूज कर रहे हैं तो इससे इसका बैटर बहुत अच्छा क्रीमी बनेगा। अब हम इसमें सारी सब्जियां ऐड करेंगे, बंद गोभी जो कि बारीक कटी हुई थी, सेब और बॉइल आलू, गाजर और मटर जो कि बॉइल हैं, साथ ही साथ हम इसमें आइस बग शामिल करेंगे। हम इसे हाथ से तोड़ के डालेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा मिकदार पानी की होती है। अगर हम इसे बारीक काटेंगे तो ये अपना पानी छोड़ देगा। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ हमारी ये सलाद अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। यह हमारी रशियन सैलेड तैयार है। आप भी जानना चाहते हैं कि रशियन सैलेड कितनी टेस्टी होती है तो इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना ये एक्सपीरियंस हमसे कमेंट में शेयर करेगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।